बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का, और चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। इसके दो हिस्से हैं। इसमें पहले टॉपिक के अंदर हम वर्क को कवर करेंगे, उसके बाद एनर्जी। वर्क, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली बेटा जी वर्क जो है वो होता क्या है, व्हाट फिजिक्स सेज अबाउट वर्क। व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेसेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स, यानी जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के लगने के बाद बॉडी मूव करती है, बट कंडीशन इज के बॉडी शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन ओवर देयर। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज मस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज डन ऑन द बॉडी। यानी जब भी किसी जिस्म के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में मूव करे, ये ना हो कि किसी और डायरेक्शन में मूव करे, तो वर्क होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, फोर्स लगती है बॉडी पे और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करती, ये बिल्कुल मूव नहीं करती, फिर फिजिक्स ये कहती है कि वर्क नहीं होगा। वर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, यानी एफ फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया, फिजिक्स ही कहती है कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस, या इसको यूं भी लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा कहां से आया? बेसिकली वर्क करते हुए जो फोर्स का X कंपोनेंट है वो अपना पार्ट, अपना रोल प्ले कर रहा होता है। हमने पढ़ा था कि फोर्स के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक FX जो F cos थीटा के इक्वल होता है और एक Y कंपोनेंट F sin थीटा के इक्वलेंट होता है। तो यहां पर FY वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो है, इसलिए वर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज FX इंटू X, मींस द फोर्स इज बीइंग प्लेड और फोर्स इज ड्यू टू X component. So Fx into S. S is displacement over here. So मैंने इसलिए formula लिख दिया W is equal to Fs cos theta, where theta is the angle between force and displacement. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी एक example देके वजाहत करना चाह रहा हूँ कि work मैंने कहा कि अगर force की direction में body move करेगी तो होगा। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर बाल्टी एक पानी की भर के रख दी जाए और उस बाल्टी पानी की जो भरी हुई है मैं उसको कहूँ कि आप इसको उठा के उस तरफ ले जाएं, तो आप फिजिक्स ये कहती है कि कोई काम नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जब आपने बाल्टी को उठाया तो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं और मूव आगे की तरफ कर रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर वर्क नहीं हुआ। और अगर यही बाल्टी उठा के आप ऊपर की जानब चल रहे हैं सीढ़ियों की मदद से, जैसे भी वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग वर्क बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हमारा वर्क है। सवाल हमारा जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट्स। और वर्क के यूनिट होते हैं जूल। क्या होते हैं? जूल, जो कि हम यूं भी लिख सकते हैं कि बेसिकली वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, इसके यूनिट होते हैं न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं मीटर्स। तो 1 न्यूटन मीटर मीन्स 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। सो जूल आर द यूनिट ऑफ वर्क। ये हमारा वर्क का टॉपिक यहां पर क्लियर हो गया। आपने इसने करना क्या है वर्क के टॉपिक के अंदर, आप ये देख लीजिए। वर्क के टॉपिक में आपने क्वेश्चन है डिफाइन वर्क विद इट्स यूनिट्स या डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट्स। तो ये आपकी वर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है पिंक बॉक्स के अंदर, ऊपर इसका फॉर्मूला लिखना है। यानी आपने सबसे पहली हेडिंग बनानी है डेफिनेशन की, वर्क की डेफिनेशन लिखनी है। यहां पर लिखा हुआ है वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पिंक बॉक्स में लिखी हुई है डेफिनेशन। फिर उसके ऊपर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स एस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, यह फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद आपने इसके यूनिट्स लिखने हैं। यूनिट्स वर्क के क्या है? जूल। और यहां पर एक और बात मैं बता दूं आपको, क्वांटिटी की हेडिंग बना के वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वर्क के लिए किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। फिर इसकी यहां पर कंडीशंस की एक हेडिंग बनेगी। यहां कंडीशंस लिखी हुई हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द एंगल बिटवीन देम, यानी जो फॉर्मूला है उसी को। और यूनिट ऑफ वर्क के नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी पिंक बॉक्स है।
डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क अगर अलग से क्वेश्चन आता है तो अलग से ये डेफिनेशन है, लेकिन अगर डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट्स आता है क्वेश्चन तो आपको वर्क की डेफिनेशन फॉर्मूला और इसकी कंडीशंस के साथ साथ इसके यूनिट्स को भी लिखना पड़ेगा। ये देखें आपके सामने पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जब आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और उसकी वजह से 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट शो होती है तो उस वक्त जो वर्क आप कर रहे होते हैं बॉडी के ऊपर 1 जूल होता है। ये हमारा टॉपिक वर्क वाला क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी, अच्छा बेटा जी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी की बेसिकली कितनी मेन जो फॉर्म्स हैं जिनको हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं वो दो हैं हमारे पास। पहली जो फॉर्म है एनर्जी की, मैं यहां पर आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं पहले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एनर्जी की दो मेन फॉर्म्स हम लिखते हैं, एक हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क, काम के करने की जो सलाहियत है वो आपकी एनर्जी होती है। और अब एनर्जी की दो मेन हमने कहा फॉर्म्स हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है, वैसे बेशुमार सी हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं, अभी आपकी बुक में कुछ लिखी हुई है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूवमेंट के वक्त उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और पोजीशन की वजह से जो बॉडी के अंदर होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली, क्योंकि बॉडी जब हाइट के ऊपर जाती है तो जमीन उसको जितना ऊपर जाती है अट्रैक्ट कर रही होती है। तो अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहां पर मौजूद है इस वक्त, इट इज स्टिल, तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो आपके सामने ये नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको समझा दिया कि मैं अगर मूव कर रहा हूं तो मूव करते हुए मेरे अंदर जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा जो यहां क्वेश्चन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी की हमने इक्वेशन बनानी है, और काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? मैं क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन यूं भी आ सकता है आपको, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। सवाल यूं भी आ सकता है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला, तो हम इसका ये फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो क्वेश्चन के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं जिनसे वो क्वेश्चन आपसे जिनमें पूछ रहा होता है। अच्छा जी अब हम चलते हैं बेटा, तो मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी का जो आपके पास फॉर्मूला है 1/2 mv², इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भी मैंने बता दिया। सबसे पहले इसका जो आपकी बुक में पैराग्राफ लिखा हुआ है मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। उसने कहा है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कि एक बॉडी है मास m की मूविंग विद वेलोसिटी v, जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और सपोज कर लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस, और बॉडी रुक जाती है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद। अच्छा जी, अच्छा ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग, यानी जो बॉडी रुक रही है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपके लिए मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं ताकि हम इसकी इक्वेशन डेरिवेशन कर लें। द बॉडी पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, और बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड इज कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स अंटिल ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अप। ये पैराग्राफ है, जब आपने डेरिवेशन करनी है तो आपने डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी लिखने के बाद ये एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ भी आपने लिखना है, उसके बाद बाकी जो मैथमेटिकल मैं आपके सामने करने जा रहा हूं आपने करना है। अच्छा जी अब हम अपनी जो इक्वेशन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम ये लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क डन। अच्छा अब अगर हम पैराग्राफ में देखें तो पैराग्राफ के मुताबिक उसने कहा है कि जो बॉडी है वो अपोजिंग फोर्स की वजह से रुक जाती है। अच्छा हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, इसका मतलब है के डॉट ई इज इक्वल्स टू एफ इनटू एस हो जाएगा, ठीक है ना? वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस है। इनिशियल बॉडी वेलोसिटी बॉडी की क्या है? वी। आप पैराग्राफ को देखें तो उसने कहा है कि इनिशियली बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, इसलिए मैंने वी आई इज इक्वल टू वी लिख दिया। अब बॉडी उसने कहा है अपोजिंग फोर्स की वजह से कुछ देर के बाद रुक जाएगी, तो हम ये लिख लेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसको जीरो हो जाएगी। बॉडी का मास उसने बता दिया कितना है? एम है। अगर बॉडी का मास m है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इक्वल होगी f इज इक्वल टू m इनटू a। ये बातें क्लियर हैं? ये सारी की सारी बातें हमने पैराग्राफ से लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी fs होती है,
इक्वल होती है वर्क डन के, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी वी है, हमें कैसे पता लगा, हमें पैराग्राफ जो मैंने आपके सामने रीड आउट किया है उसमें बता दिया गया है, ये हमने सपोज किया है। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो कुछ देर बाद अपोजिंग फोर्स एफ की वजह से रुक जाएगी, जीरो है। अब यहां से मैं अगर लिखूं तो ए इक्वल बन जाएगा माइनस एफ ओवर एम के, कैसे बना, एम यहां आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस का साइन यहां पर शो कर रहा है कि जो फोर्स है दैट इज बेसिकली अपोजिंग फोर्स। अब हम यहां पर अगर अप्लाई करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो हमें पता है कि 2as is equals to vf square minus vi square होता है, यही होती है ना थर्ड इक्वेशन। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास माइनस एफ ओवर एम है, s वैसे ही लिख देते हैं, vf की वैल्यू जीरो स्केयर माइनस vi स्केयर। अच्छा अब vi क्योंकि v के इक्वल था इसलिए मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो vi की जगह मैं v पुट करूंगा, हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, माइनस टू एफ एस ओवर एम इज इक्वल टू माइनस वी स्केयर, क्लियर है। अब यह गौर कीजिए, ये माइनस और इस तरह वाला माइनस, ये माइनस माइनस या प्लस हो जाएंगे, हम इसको कैंसल आउट कर लेते हैं, 2fs is equals to mv square, ये m वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, fs is equals to mv square over मैं 2 लिख देता हूं, ठीक है, fs is equals to mv square over 2 आ गया। अब fs किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के, तो हमारा क्या फार्मूला बन गया, अब मैं यहां पर लिख देता हूं आपके सामने, ये इस तरफ कर देता हूं, f S is equals to, क्योंकि K dot E होता है तो यहां पर हमारे पास लिख देंगे कि K dot E is equals to, यानी kinetic energy m v square over 2, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 over 2 m v square, 1 over 2 में बाहर भी लिख सकता हूं इस तरह से अलग करके, तो kinetic energy का ये फॉर्मूला बेटा आपका प्रूव हो गया। यहां पर m mass है, v velocity है, ये आपका kinetic energy को मैंने प्रूव कर दिया। अब आपको जब क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको बताया प्रूव आएगा तो प्रूव करेंगे, लेकिन इस ये आपकी जो डेरिवेशन है या मैथमेटिकल है, मैं यहां पर हेडिंग भी बना देता हूं मैथमेटिकली। आपने इससे पहले क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, क्वेश्चन जिस तरह से मर्जी आए काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहला काम पहली हेडिंग, सेकेंड हेडिंग एक्सप्लेनेशन का वो पैराग्राफ जो आपकी इस डेरिवेशन से ऊपर लिखा है, जो आपके सामने मैंने रीड आउट किया, थर्डली मैथमेटिकल पूरी, और उसके बाद एंड पे आपने दोबारा यहां पर रिजल्ट की हेडिंग बनाकर और रिजल्ट भी लिख देना है कि k dot e is equals to 1 over 2 mv square, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी बता दिया है आपके बुक पे, नेक्स्ट पेज नंबर 123 के ऊपर है पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक। अभी मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बता दी कि द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आपने जब सवाल आएगा डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की आपने डेफिनेशन लिखनी है, नीचे इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, ये देखिए, स्टोर्ड वाटर पजेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, ये वाला पैराग्राफ आपने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना, उसकी सारी चीजें अंडरलाइन कर लेनी है, इसके अंदर से आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये पूरा पैराग्राफ रीड आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो पिंक बॉक्स है पोटेंशियल एनर्जी वाला, इसके नीचे जो पैराग्राफ है ये पूरा अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है, इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा जी, उसके बाद इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है हमने वो भी करनी है, और डेरिवेशन से पहले यहां पर भी सेम एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप गौर करें, लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी रेज्ड अप थ्रू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा अब हमारे पास सपोज करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, हमने उसको किसी हाइट h के ऊपर जमीन से लेके गए हैं, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाय h, f क्या है, फोर्स है, और यहां पर जो फोर्स होगी वो होगी वेट के इक्वल, किसके इक्वल, वेट के, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच,
क्योंकि बॉडी को आप जब जमीन से ऊपर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है दैट इज इक्वलेंट टू इट्स वेट, और वेट आपको पता है इक्वल होता है किसके, एम जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर यहां पर क्या बन जाएगी, एम जी एच। ये सिंपल सा इसका छोटा सा फॉर्मूला था जिसको हमने ड्राइव कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एम क्या है मास ऑफ द बॉडी, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एंड एच इज द हाइट जितनी हाइट के ऊपर आपने उसको उठाया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ इनटू एच वर्क, क्योंकि एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल हो। हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था वो एफ इंटू एस था, तो एस यहां पर बेसिकली हाइट है और एफ यहां पर फोर्स है, और फोर्स मैंने बताया वेट के इक्वलेंट है। तो यूं आपका ये पोटेंशियल एनर्जी वाला भी टॉपिक बेटा क्लियर हो गया। इसमें भी आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन आएगा डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रूव द फॉर्मूला, या पी डॉट ई इज इक्वल टू एम जी एच, तो आपने सेम क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी की पिंक बॉक्स में, कोई इसमें से एग्जाम्पल कोट करनी है, या पैराग्राफ है लेट अ बॉडी ऑफ मास, ये लिख के आपने ये डेरिवेशन कर लेनी है, यानी मैथमेटिकल कर देना है। उसके बाद बेटा जी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ये रीडिंग वाला टॉपिक है, आपने इसको रीड आउट करना है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपकी बुक में देखिए मुख्तलिफ लिखी हुई है, ये पूरा का पूरा उसने सर्कल बना के कोट किया हुआ, गौर कीजिए इसने। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है, हीट एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, साउंड एनर्जी दी है, लाइट एनर्जी दी है, केमिकल एनर्जी दी है, न्यूक्लियर एनर्जी दी है। ये सारी की सारी आपने असाइनमेंट के तौर पर खुद पढ़नी है, रीड आउट करनी है। इसमें किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने मुझसे डिस्कस करनी है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में चले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से रिसीव होती है, और उसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं बेनिफिशियल पर्पजेस के लिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी कौन सी होती है, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है। दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। तो इन रिएक्शंस को जब आप करवाते हैं तो इन रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फिजन एंड फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन रिएक्शन की वजह से एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन भी, और उसको आप कहीं पर प्रॉपरली यूज कर रहे होते हैं किसी ना किसी मकसद के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए, तो इसको आप कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा जी, उसके बाद बेटा आप आ जाएं, ये सारा थ्योरेटिकल अब टॉपिक्स हैं और इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अब यहां पर आपके पास फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में आप गौर करें, यहां पर क्वेश्चन है डिफाइन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी, याद रखिएगा एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो आप एनर्जी खुद पैदा कर सकते हैं ना ही उसको मुकम्मल जीरो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है मैं उसी को कोट करता हूं, आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है उसने कहा कि रब योर हैंड्स, जब आप अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे तो यू फील, एक तो आप हीट फील करते हैं, आपके हाथ वार्म अप हो जाते हैं, दूसरा सेकेंडली आपको कुछ थोड़ी सी रेजिस्टिव फोर्स, थक जाते हैं कुछ देर के बाद, क्यों, दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज डेवलप्ड बिटवीन योर हैंड्स। तो बेसिकली एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आप अपनी मस्कुलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली और इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो यहां पर आपने कोई भी एग्जांपल दे देनी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का ये पैराग्राफ डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी एक एग्जांपल कोट कर देनी है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज सॉइल एरोजन, व्हाट इज सॉइल एरोजन, इसको उर्दू में जमीनी कटाव भी बोलते हैं। सॉइल एरोजन होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। सॉइल एरोजन में बेसिकली कि जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो पहाड़ों का जो पानी जब ऊपर से नीचे से बड़ी तेजी से स्पीड से आ रहा होता है तो उसकी बेसिकली जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है, हीट एनर्जी भी होती है फ्रिक्शन की वजह से, तो वो अपने साथ मिट्टी को भी बहा के ले आता है। तो इस जो मिट्टी को बहा के लेके आता है इस प्रॉब्लम को बेसिकली सॉइल एरोजन बोला जाता है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, गौर कीजिए पेज नंबर 127 में लास्ट में लिखा हुआ है, पूरे पैराग्राफ के अंदर लास्ट में जो पैराग्राफ है उसकी अगर आप फिफ्थ लाइन को पढ़ें तो लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेन फॉल्स, दिस रेन वाटर मे रीच अ लेक और अ डैम, एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी व्हाइल पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश अवे सॉइल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स नोन एज सॉइल एरोजन। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था, आपने सॉइल एरोजन को यहाँ तक कवर कर लेना, क्लियर है बेटा। अगला फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे सारी बातें।